रिपोर्ट राइटिंग में जो दो टाइप है हमारे, ट्रेंड बेस्ड एंड कंपैरिजन बेस्ड, उसमें डिफरेंस क्या है? इसको मिताली ऐसे समझो, जो लाइन ग्राफ होता है ये बेसिकली इज अ ट्रेंड बेस्ड रिपोर्ट, जो पाई चार्ट होता है इट इज ऑलवेज फॉर कंपैरिजंस। रही बात बार चार्ट और टेबल की, इट कुड आइदर बी ट्रेंड बेस्ड और इट कुड बी कंपैरिजन बेस्ड। सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई इफ अ बार चार्ट और अ टेबल इज ट्रेंड बेस्ड और कंपैरिजन बेस्ड? इट्स वेरी सिंपल। अगर आपका बार चार्ट और टेबल का जो डेटा है वो एक साल या दो साल का है तो वो एक कंपैरेटिव बेस्ड एनालिसिस है, और अगर डेटा मल्टीपल ईयर्स का है तो वो एक ट्रेंड बेस्ड एनालिसिस है। सो इन अ ट्रेंड बेस्ड एनालिसिस वी आर कंसिडरिंग व्हाट वेंट अप, व्हाट वेंट डाउन, व्हाट फ्लक्चुएटेड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। डोंट कंपेयर वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, बट व्हेन वी आर डूइंग पाई चार्ट्स एंड कंपैरेटिव बेस्ड टेबल एंड बार चार्ट, द आइडिया इज टू कंपेयर वन पॉइंट टू द अदर, वन डेटा टू द अदर। सो दैट इज द प्राइमरी डिफरेंस।